नमस्कार साथियों, हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले समय में यानी अभी के समय में FIR ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। उसमें सिर्फ गुमशुदा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी, रेडियो, सॉरी गलत बोल दिया मैं, रेडियो, लैपटॉप, रेडियो का ज़माना नहीं रहा, यानी आदि सामान, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आप दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके लिए, यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन जो है कि एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि आखिर आप इसे कैसे करें, तो हम आज देखते हैं ऑनलाइन FIR दर्ज करना और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना। तो बड़े ही आसान से स्टेप में हम इसको समझते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा, गूगल पर जाना है, यानी गूगल आप सर्च करें और यहाँ पर आप टाइप करें citizen.mppolice.gov.in। ये जिससे साइट ओपन हो जाएगी। साथियों, यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें पहले आपका एक प्रोफाइल बनाना होगा, जिसे हम कह दें हमारी आईडी बनानी होगी। आईडी बना देने के बाद, एक बार आईडी बनाने के बाद उसका आईडी और पासवर्ड आप अपने पास सेव कर लीजिए। एक बार आईडी बनाने के बाद आप ऑनलाइन जब भी आपको कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है, FIR दर्ज करवानी है, किसी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है, तो आप आसानी से उसी आईडी से रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगे। उसी आईडी से आप उस रिपोर्ट का स्टेटस सर्च कर पाएंगे। उसी आईडी से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी वो है एक आईडी आपके आने वाले समय के लिए, सभी के लिए एक ही आईडी, मल्टीपर्पज़ आईडी हो जाएगी MP पुलिस के लिए, यानी जो भी FIR दर्ज या रिपोर्ट दर्ज करवाना है उसके लिए। तो उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है उसको बनाना। इसके लिए आप साइन इन को क्लिक करें, जिससे ये साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यदि पहले से बना हुआ है तब तो आप आईडी पासवर्ड से उसे लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो आप क्रिएट लॉगिन को क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट लॉगिन को क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक, आईडी का प्रकार, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आईडी है, आधार कार्ड से आप ज़्यादा अच्छा है कि आप आधार कार्ड का प्रयोग करें, उससे आपका डेटाबेस भी ऑनलाइन वेरीफाई होकर के आ जाएगा। आपको कुछ फिल करना नहीं पड़ेगा, वो आगे कैसे फिल नहीं करना पड़ेगा वो आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके आधार कार्ड से ही आईडी जनरेट करें, आधार कार्ड या आईडी नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, आपका एड्रेस डालें, देश आपको सिलेक्ट करना होगा, राज्य और जिला, स्थाई के लिए भी यदि आप स्थाई एड्रेस यही आपका है तो नहीं है तो आप नहीं करके और आपका स्थाई एड्रेस डालें। सिक्योरिटी हिंट क्वेश्चन में कोई दो क्वेश्चन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये तब काम आएगा जब आप पासवर्ड भूल चुके होंगे। तो जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ ले लिया, फर्स्ट स्कूल का नाम ले लिया, दो आपको सिक्योरिटी हिंट डालने हैं ताकि आप पासवर्ड को आसानी से रिकवर कर सकें। और लॉगिन आईडी, अब लॉगिन आईडी में साथियों ध्यान रखना है कि आप अपने आधार नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये क्या होता है कि यूनिक आईडी चाहिए, तो आपका आधार कार्ड नंबर 12 नंबर का जो डिजिट है आपका आधार कार्ड, वो बाय डिफॉल्ट यूनिक ही होता है, एक ही आधार नंबर दूसरे का नहीं हो सकता, तो वही आप डालें। दूसरा उससे एक फायदा ये रहेगा कि कभी भी आईडी भूलने की समस्या आपके साथ में नहीं आएगी, और कोई भी इजी सा पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसमें कॉम्बिनेशन से पासवर्ड रखना है, पहले कैपिटल लेटर, फिर स्पेशल सिंबल, फिर स्मॉल लेटर, फिर नंबर, इस प्रकार से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, आसानी से याद कैसे रखें, इसके भी हमने आप पहले वाले वीडियो में इसको डिटेल से समझाया है, तो उसका आप यहाँ पे प्रयोग करें और सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देने के बाद आपका मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डाल करके आप वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई कर देने के बाद आपको आपके मोबाइल पर ही मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ आपको मिलेगा। वो दोनों आप या तो सेव कर लीजिए,
या बाद में आप फॉरवर्ड भी पासवर्ड को कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप सेव कर लीजिए, लिख लीजिए उसको कहीं पे भी। इसके बाद दोबारा जैसे आपको कोई रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना है या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो आईडी और पासवर्ड की आपको यहाँ पर आवश्यकता लगेगी। मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन कर ले। देखिए जैसे ही आप आईडी को लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये नागरिक सेवाएं दे रखा है, इसे आप क्लिक कर दीजिए।